हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है संडे और हम फिर से आ गए आपके लिए संडे क्यू एंड ए वीडियो लेकर। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछे थे, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पिक किए हैं। अब दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर #कोची लगाकर आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपका क्वेश्चन यूनिक होता है तो अगले संडे कमेंट बॉक्स में आपका जो क्वेश्चन है वो पिक कर लिया जाएगा। दोस्तों आपको पता है बकवास करने की आदत नहीं है, आपके लिए वही लेकर आते हैं जो आपके लिए सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्यों ना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछने वाले हैं ओ माय गॉड यानी OMG स्टार, आप दोस्तों साइड में देख सकते हैं। और यहां पर ये लिखते हैं यूनिक क्वेश्चन, क्या एक ही शॉर्ट वीडियो बार बार डालने से YouTube शॉर्ट फंड मिलेगा या नहीं, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, YouTube की जो एलिजिबिलिटी है यानी हमारे शॉर्ट वीडियो वायरल होने चाहिए, किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, जो मूवी की क्लिप्स हैं उनको नहीं लगाना है, यानी आपका खुद का शॉर्ट वीडियो होना चाहिए तब आपको शॉर्ट फंड मिलेगा। तो भाई आप अगर बार बार वीडियो डाल रहे हैं और आपकी वीडियो वायरल हो जाती है आपको शॉर्ट फंड मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके चैनल पर प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आपका चैनल यहाँ पर टर्मिनेट हो सकता है बार बार वीडियो डालने से। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, आगे अभी आने वाला है, उनका चैनल यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया है। तो आप इस काम को मत करिए, आप अलग अलग वीडियो डालिए, डिफरेंट वीडियो डालिए और आपकी वीडियो वायरल होगी, आपको शॉर्ट फंड जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाले हैं यहाँ पर लोधी रेंजर बाइटी, और यहाँ पर ये लिखते हैं सर यार, तो यार दोनों शब्द इन्होंने बोल दिए हैं, चलो अच्छा है। सर यार मैं क्रिएटिव कॉमर्स इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, सर यार मैं क्रिएटिव कॉमन का ऑडियो यूज़ करता हूँ और उसमें वॉइस ओवर का शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बिग फैन लव फ्रॉम राजस्थान, थैंक यू भाई। तो भाई ने पूछा है मैं क्रिएटिव कॉमन का जो सॉन्ग है वो यूज़ करता हूँ, वॉइस ओवर वीडियो डालता हूँ, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो भाई देखो क्रिएटिव कॉमन जो सॉन्ग होते हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आप किसका वीडियो डाल रहे हैं, या तो आप अगर और किसी का डाल रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर दोस्तों आपकी वीडियो हैं और उस पर आप अपना वॉइस ओवर कर रहे हैं और जो सॉन्ग है वो क्रिएटिव कॉमन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपका चैनल यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा। और आप शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं तो भाई शॉर्ट वीडियो से चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, क्योंकि उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। तो सॉन्ग से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रिएटिव कॉमन जो सॉन्ग है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाले हैं अमन चौहान व्लॉग्स, और यहाँ पर ये लिखते हैं #कोची लगाकर मैं सेम वीडियो अपलोड करता था और मेरा चैनल मैं 1000 सब्सक्राइबर 4000 आवर का वॉच टाइम हो गया, पर मैंने चैनल मोनेटाइज करा तो मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया, बताओ क्या करूं। तो भाई देखो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मेरे ऐसा सीन नहीं था, मेरा जो क्रिएटर कोची वाला चैनल था वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया। तो भाई आपका चैनल अगर टर्मिनेट हो गया है तो ये वापस नहीं आएगा, आपको अफसोस करना पड़ेगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, गूगल सपोर्ट पर जाकर वहाँ पर उनको मेल कर सकते हैं, अपनी जो शिकायत है उसे दर्ज कर सकते हैं, शायद आपका चैनल वापस आ जाए। तो कई सारे लोगों का चैनल वापस आ जाता है जो टर्मिनेट चैनल होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाले हैं मिस्टर सुरेश फैक्ट, आप साइड में देख सकते हैं, लाइव चैनल चेकिंग वाले चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं और वॉच टाइम काउंट होगा। तो भाई देखो लाइव अगर आप चैनल चेक कर रहे हैं अपने चैनल पर तो उस पर जितना वॉच टाइम आएगा आपको मिलेगा और वो वॉच टाइम के लिए भी काउंट होगा या मोनेटाइजेशन के लिए भी काउंट होगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। तो लाइव स्ट्रीम से चैनल मोनेटाइज हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रेम भारद्वाज पूछने वाले हैं, सर हम अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं और वो भी और व्यूज़ भी आते हैं लेकिन कम, तो क्या हमें शॉर्ट फंड मिलेगा क्या, $10 वाली बात सच है, प्लीज़ टेल मी। तो भाई ने यहाँ पर पूछा है कि क्या हमें शॉर्ट फंड मिलेगा कि नहीं अगर हमारे कम व्यूज़ आते हैं, हम अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं और $10 वाली जो बात है वो सत्य है या झूठ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बात थी $10 वाली वो एकदम सत्य है, क्योंकि टेक्निकल योगी सर ने YouTube से खुद लाइव चैट किया था, उन्होंने बात की थी। तो यहाँ पर $100 से नीचे अब आपको शॉर्ट फंड दिया जाएगा और आप दोस्तों काम करते रहिए, शॉर्ट वीडियो डालते रहिए, अगर आपके थोड़े बहुत भी व्यूज़ आते हैं तो आपको $100 से नीचे यानी $10, $20, $30 कितना भी यहाँ पर शॉर्ट फंड मिल सकता है और ये जो बात है ये बिल्कुल सत्य है। तो भाई आप काम करते रहिए प्रेम भारद्वाज, आपको शॉर्ट फंड जरूर मिलेगा अगर आप एलिजिबल हुए तो। और जो एलिजिबिलिटी है वो वही है जो पहले थी, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन $100 से नीचे आपको शॉर्ट फंड मिल सकता है, ये चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाले हैं Quadra08, और यहाँ पर ये लिखते हैं, भाई मेरा सवाल ये है कि आप कितना पढ़ते हो। अरे भाई आपने तो, चलिए पढ़ाई की बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं दोस्तों अभी BSc कर रहा हूँ और मैं कॉलेज भी जाता हूँ, पढ़ता भी हूँ, घर का भी काम रहता है, YouTube भी है। तो दोस्तों मैं पढ़ाई करता हूँ और लगभग मैं 3 से 4 घंटे सुबह यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, पढ़ाई को मैं नहीं छोड़ता और YouTube भी करता हूँ। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, YouTube चैनल भी है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ YouTube को मैनेज करते रहिए, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ के YouTube पर ही लग जाएं, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाले हैं नीट एस्पिरेंट, और यहाँ पर ये लिखते हैं, भाई मैं आधा वीडियो दूसरे का और आधा मेरा किया और अपलोड किया तो चैनल मोनेटाइज होगा, यूनिक क्वेश्चन। तो हाँ भाई आपका यूनिक क्वेश्चन है।
तो भाई दोस्तों अगर आपने अपना आधा वीडियो यूज किया है, आधा किसी और का है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपकी जो वैल्यू है वो ऐड हो चुकी है, आपकी वीडियो ऐड हो चुकी है, लेकिन आपने आधा जो वीडियो किसी और का यूज किया है उस पर वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। इससे आपको बचना होगा। तो जो आपने देखा होगा, जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं वो अपना आधा लगाते हैं, आधा किसी और का चलता है, तो रिएक्शन वीडियो पर शॉर्ट फंड भी मिलता है, और आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं रिएक्शन की तो उस पर आप मोनेटाइज भी हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ये जो आप पूछ रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत मैंने पिक किए हैं, यही कुछ यूनिक क्वेश्चन थे, और बाकी सारे जो क्वेश्चन थे वो व्यूज़ को लेकर थे कि व्यूज़ नहीं आ रहा। तो भाई आप काम करते रहिए, रेगुलर आपका व्यूज़ जरूर आएगा। मैं आशा करता हूँ ये क्यों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यार वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है यूनिक तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले संडे आपका कमेंट जो है पिक कर लिया जाएगा अगर यूनिक क्वेश्चन होता है। तो यार आपको पता है दोस्तों, गर्मी बहुत है, आप देख सकते हैं कितना हालत ख़राब हो गया। तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना, कोई दिक्कत हो तो यार माफ़ कर देना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नया लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।